गाइस वेलकम बैक इन कंप्यूटर ग्राफिक प्लेलिस्ट। और आज हम बात करने वाले हैं कर्व्स के बारे में। जितने भी कर्व पढ़ने वाले अपन कंप्यूटर ग्राफिक्स में, यानी कि कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम करके अपन कर्व बनाने वाले हैं, तो उसके अंदर काफ़ी सारे टाइप के कर्व होते हैं। वैसे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 नंबर या 4 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, बट इसमें एक है अपना कर्व बेंजर कर्व, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल आता ही आता है, और वो आता है पार्ट सी के अंदर। यानी कि आप मान लो कि 10 से 15 नंबर के अंदर वो आने वाला है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले कर्व समझना पड़ेगा, उसके टाइप समझने पड़ेंगे, फिर अपन उसके ऊपर आएंगे। ठीक है, तो अब वीडियो शुरू करते हैं। एक कर्व से आप क्या समझ सकते हो, लाइक एक कर्व बनाता हूँ यहाँ पर, ये यह आपका कर्व है। ठीक है, तो कर्व इज एन इनफाइनाइट लार्ज सेट ऑफ पॉइंट्स, यानी काफ़ी सारे पॉइंट्स मिलके, यहाँ पर काफ़ी सारे पॉइंट्स होंगे, उन सारे काफ़ी सारे पॉइंट्स को मिलके कर्व अपना डिजाइन होता है। ईच पॉइंट हैज टू नेबर्स, बिल्कुल सही बात है यार। सपोज कीजिए आपका पॉइंट यहाँ पे P1 है, ठीक है, यहाँ पर भी कोई ना कोई पॉइंट होगा और यहाँ पर भी कोई ना कोई पॉइंट होगा ही, ठीक है, P0 मान लो, P2 मान लो, तो इसके 2 नेबर्स हो गए ना, तो यही बोल रहा है ये। एक्सेप्ट एंड पॉइंट्स, यानी कि एंड पॉइंट्स होते हैं जो कर्व के, सपोज करो ये वाला लाइक P0 और P2 एंड पॉइंट्स, तो इसके लेफ्ट में नहीं होगा, इसके राइट में नहीं होगा, तो इसके पास 2 नेबर्स नहीं होंगे, एक तो होगा ही, इसलिए बोला एक्सेप्ट एंड पॉइंट्स। ठीक है, तो कर्व्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट एंड पैरामेट्रिक। ओके, तो इम्प्लिसिट की बात करेंगे, तो इम्प्लिसिट कर्व रिप्रेजेंटेशंस डिफाइन द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द कर्व बाय एम्प्लॉइंग ए प्रोसीजर दैट कैन टेस्ट टू सी इफ पॉइंट इज ऑन कर्व और नॉट। ओके, तो ये सीधी सी कहानी है कि कर्व के ऊपर क्या वो पॉइंट एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए अपन इम्प्लिसिट कर्व बनाते हैं। लाइक मैं आपको बताऊँ, एक सर्किल है, इसके अंदर एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है और एक पॉइंट इसके कर्व के ऊपर ही एग्जिस्ट कर रहा है, इसकी सर्कमस्टेंसेस पर। तो देखो यहाँ पर इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए कि क्या वो कर्व के ऊपर है नहीं है, तो अपन इम्प्लिसिट कर्व का यूज करते हैं। और ये एक सर्किल क्या है आपका, एक तरह से इम्प्लिसिट कर्व ही है, तो अगर उसकी अपन इक्वेशन देखें, x²-y²-r उसकी रेडियस, ठीक है, तो ये आपको इक्वेशन पता ही होगी। एक्सप्लिसिट कर्व की बात करें तो इट कांट रिप्रेजेंट वर्टिकल लाइंस और इट आल्सो सिंगल वैल्यूड, यानी कि सिंगल वैल्यूड होता है और ये वर्टिकल लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं करता है, हॉरिजॉन्टल कर सकता है, लाइक दिस। ओके, थर्ड वन इज योर पैरामेट्रिक, जो पैरामेट्रिक फॉर्म बना दे, आपने पढ़ी होगी ये पैरामेट्रिक फॉर्म बना दे, लाइक पैरामेट्रिक ये बनती है आपकी, आपने पढ़ी होगी, चार्ट अलग अलग होती है, एक्लिप्स होता है, ठीक है, अलग अलग, तो पैरामेट्रिक फॉर्म जो बना दे वो पैरामेट्रिक कर्व होता है, लाइक इन्होंने ये बता रखा है और ये बता रखा है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है थ्योरी। यहाँ पे आइए, बेंजियर कर्व का थोड़ा सा हिंट आपको यहाँ पे दे देता हूँ। दिस कर्व कैन बी जनरेटेड अंडर द कंट्रोल ऑफ अदर पॉइंट्स, यानी कि कुछ अदर पॉइंट्स के कंट्रोल में रहते हैं ये बेंजियर कर्व्स। इनके डिटेल में पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर न्यूमेरिकल भी देखेंगे, एक शानदार वाला आपको मजा आ जाएगा। फिलहाल तो ये चीज़ समझिए आप, pi/bi(n), n ये क्या है, पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल पावर है, बताएंगे भी क्या होती है, bi(n)power, ठीक है, ni, ठीक है, 1-t^n -i (nt)i। ओके, एंड ये देखिए गाइज, आपको मजा आ जाएगा। तो देखिए, सिंपल बेंजियर कर्व होता है, एक होता है क्वाड्रेटिक, एक होता है क्यूबिक, ठीक है, तो सिंपल आपना सिंपल है और ये थोड़ा कर्व में आ गया, एक इसमें से एक बन जाता है, पॉइंट निकल रहा है, तीसरा ये क्वाड्रेटिक में आता है, एक कुछ पूरा ही क्यूबिक में बनता है, तो यहाँ पे 4 पॉइंट देखने को मिलते हैं, जो आपके ये यहाँ से डिनोट होते हैं, P0, P1, P2, P3, ठीक है। ओके, एक और पढ़ते हैं अपन, एक और कर्व है, फाइनल वन। एक और कर्व होता है बी स्प्लाइन कर्व। क्या होता है, बेंजियर कर्व में कुछ ड्रॉबैक्स है, कुछ लिमिटेशन है, लाइक ये क्या होता है, अपने जैसे मैंने बताया था ना, वो एन क्या है, वो पॉलिनोमियल है, तो इसके अंदर क्या होता है, पॉलीगन वर्टेक्स क्या करती है, रिजल्ट को फिक्स कर देती है, और जिससे क्या होता है, अपना कर्व एक तरह से डिफाइन हो जाता है, तो अपनी लिमिट आ गई एक तरह से। दूसरा ब्लेंडिंग फंक्शन होता है उसमें बेंजियर कर्व में, जो नॉन जीरो रहता है सारे पैरामीटर्स के लिए, तो इसलिए एक और ड्रॉबैक देख लिए हमने, इसलिए हमको इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा बी स्प्लाइन कर्व। सो बेसिकली बी स्प्लाइन कर्व इज डिफाइंड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स pi एंड बी स्प्लाइन बेसिस फंक्शन ni kt गिवन बाय, ठीक है, आपको फॉर्मूला दिख रहा है i0 से लेके n तक pi ni kt तक, ठीक है, n शुड बी ग्रेटर देन n-k। ओके, ये कंडीशन आपको याद रखनी है बी स्प्लाइन कर्व के अंदर, और देख लो
अब NI को डिफाइन करने के लिए दे रखा है 1 कब होएगा और 0 कब होएगा, जब आपका U बिलोंग करता है TI, TI प्लस 1 में। NIK की वैल्यू कैसे निकालते हैं, T माइनस TI अपॉन TIK माइनस N, NIK N माइनस 1 प्लस समथिंग एंड समथिंग, आपके सामने स्क्रीन पे बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन खुशी की बात यह इस पर न्यूमेरिकल नहीं आता है और आप केवल डेफिनेशन भी लिख सकते हो और ऊपर जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो थोड़ा सा फॉर्मूला लिख दो, डैट वुड बी सफिशियंट। ओके, होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड साथ के साथ अगर वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर आप नीचे लाल बटन दिख रहा है उस पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि काफ़ी सारा कंटेंट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा इंजीनियरिंग से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। सो जय हिंद, जय भारत, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में।